सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज सैटर्न कैपिटल। तो चलिए इस सेक्शन में हम बात करेंगे कल के लिए कौन से बेहतरीन स्टॉक्स हैं जिसमें आप पोजीशन बना सकते हैं, और कल जो हमने स्टॉक एनालिसिस किया था, हमारी स्ट्रेटजी में मैच हुआ था, उसका परफॉर्मेंस आज कैसा रहा मार्केट में, उसके बारे में भी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो कौन सा टारगेट हमने आज बुक किया, कौन सा स्टॉप लॉस हिट हुआ, उस सबके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है, मोटो है सिखाना, लर्निंग पे फोकस कीजिए, प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट है, सो प्लीज फोकस ऑन लर्निंग। सो ये कुछ हमारे ओपन पोजीशन है। सो आप देख रहे हो ये जो ग्रीन कलर है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये ग्रीन कलर जो भी स्टॉक्स पे हमने लिखा है इसमें किया है, ये पोजीशन क्लोज हो चुका है, हम इसमें नेट प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। जो ये व्हाइट है इट मीन्स ये पोजीशन ओपन है, और इसके आगे हमने 321 लिखा है, तो वो डे हाई हम लिखते हैं कि हमें पता चल सके कि आज का हाई कितना गया था। जैसे इज माई ट्रिप में आज का हाई 51 गया था, थर्मेक्स में 3160 गया था, तो इस हिसाब से जैसे SBI में 640 गया था, तो इस हिसाब से हम लिखते हैं ताकि हम पता चल सके कि हमारा पोर्टफोलियो किस हिसाब से चल रहा है। और जैसे ही हम इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपको यहाँ डेट दिख जाएगा कि हाँ इस डेट को बुक किया, और ये ग्रीन में हो जाएगा। तो कंफ्यूजन को क्लियर, कंफ्यूज मत होइएगा इस ट्रेडिंग जर्नल से, क्योंकि ग्रीन का मतलब पोजिशन क्लोज, व्हाइट का मतलब है पोजिशन अभी ओपन है। सो जैसा कि आप यहां देखोगे हमारे ट्रेडिंग जर्नल में, जिंदल स्टील हमने 780 रुपये पे आज बुक किया है, 7% का गेन किया था। लिया कब था, 17 जनवरी को लिया था, और 5 फरवरी को लगभग 18 दिन में हमने 7.1% का गेन किया, और 7280 में हमने प्रॉफिट बुक कर दिया। क्यों बुक किया, सो आप यहां देखो ऑलरेडी स्टॉक स्टिक RSI 90 से ऊपर चल रहा था, 99 था, और अगर हम इसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देखो तो स्टॉकिस्टिक RSI 80 से ऊपर हो गया था, और ये नीचे की तरफ आ रहा था RSI, तो हमारा था कि चलो 80 से ऊपर हमारा जाता है तो हमारा सेलिंग मोड ऑन हो जाता है, और यहाँ एक रेड कलर का हेगेनाची बन गया था। हो सकता है यहाँ पे 745 पे आके एक सपोर्ट लेके फिर से उठे, बट हमारा प्रॉफिट बन चुका था, तो हमने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया। जब दोबारा से वापस आएगा ये स्ट्रैटेजी बनेगी कि स्टॉकिस्टिक RSI नीचे से आके ऊपर की तरफ जाएगा, और ये RSI नीचे से आके ऊपर की तरफ जाएगा, तब हम इसमें दोबारा एक पोजीशन बनाएंगे जिंदल स्टील में, हमें पकड़ना है स्विंग, तो इसलिए हमने इसको अभी प्रॉफिट बुक कर लिया। अब देखते हैं कि आज जो पोजीशन हमने लिया था, दो पोजीशन जो लिया था, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, विप्रो और नौकरी का देखते हैं परफॉर्मेंस कैसा रहा। सो यहां आ जाते हैं हम विप्रो पे, विप्रो के चार्ट पे। सो ये रहा हमारे पास विप्रो का ग्राफ। तो आज एक दिन में देखोगे तो आज का जो हाई लगा था वो लगा था 489 के अराउंड में, और हमने 480 और 81 के करीब में पोजीशन बनाया हुआ है। सो हमारा टारगेट कहां तक जाता है, हमारा टारगेट 518 तक जाता है। तो कल का जो हाई लगा था वो लगा था 586 का, और आज का जो हाई लगा 589 का हाई लगा। अब इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, अगर वीकली हम देखेंगे तो वीकली आप देखो स्टॉकिस्टिक RSI नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमें थोड़ा सा सावधान रहना है, और 499 तक जाता है और 495 तक जाता है, तो हम एक प्रॉफिट इसमें बुक कर सकते हैं। मंथली अगर हम देखेंगे विप्रो को, तो मंथली काफ़ी अच्छा है, तो मंथली भी हमारा 499 का एक रेजिस्टेंस है, तो हमारा टारगेट होगा 490 से लेकर 99 के बीच में, जहां भी मार्केट जाता है हम उसमें वो एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और ये मार्केट अभी चल रहा है कि सारे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं, अब हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो आपको सावधान रहना है। अगर आपके पास कैपिटल है, कैश है, तो प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के करिए, उसी में समझदारी है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो 10% 20% माइनस में देख सकते हैं तो स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत तो नहीं है। अगर आप चाहें तो 20% 30% पोर्टफोलियो माइनस देखना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस नहीं लगाइएगा, लेकिन अगर आपको पोर्टफोलियो आपका 10% 20% माइनस नहीं चाहिए, तो आप एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके चलिएगा, जितनी रिस्क कैपेसिटी एपेटाइट है उतना लेके चलिएगा। सो होपफुली आप ऑलरेडी 10 से 15% प्रॉफिट बना चुके होंगे, तो उस 15% प्रॉफिट में आपको 10% का रिस्क लेके चलना है। अगर आपके पास 1,00,000 का कैपिटल होगा तो होपफुली आपने 15,000 रुपया तो प्रॉफिट अभी तक बना लिया होगा इस मार्केट में, तो उसमें से आपको 10,000 का रिस्क लेके चलना है, और एक स्टॉक पे 1,000 रुपये का रिस्क लेके चलो, 1,500 का रिस्क लेके चलो मैक्सिमम, और उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलो, क्योंकि इस मार्केट गिरेगा तो प्रॉफिट का पैसा ही आपको जाएगा, आपका कैपिटल खोएगा नहीं। हमारा मोटो यही है कि हमें कैपिटल नहीं खोना है, हमें प्रॉफिट गवा देना मंजूर है, लेकिन कैपिटल का 10% नहीं खोना चाहिए। तो प्रॉफिट को बचा के, कैपिटल को बचा के चलिए, प्रॉफिट से हम रिस्क लेंगे। तो विप्रो आपका टारगेट होना चाहिए यहाँ वीकली बेसिस पर, अगर मंथली बेसिस पे देखोगे तो मंथली बेसिस पे अच्छा फॉर्मेशन है, 540 का टारगेट है। अगर 4 आवर्स पे अगर आप आओगे तो लगभग 4 आवर्स में हम आते हैं तो हमारा पहला टारगेट हो जाता है 495, तो 490 से 95 के बीच में हम एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
सो अगर आपने पोजीशन नहीं बनाया, अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो विप्रो में पोजीशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन बनाने के लिए आपको 15 मिनट के चार्ट में चले आना है और 15 मिनट के चार्ट में आके हमारी तीनों स्ट्रैटेजी मैच कर लेनी है। तो देखो अभी यहाँ पे स्टॉक RSI 55 है, इसको 50 क्रॉस होने देना, जैसे ही 50 क्रॉस होगा तब आप पोजीशन बनाना, तब हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। 79-77 के करीब में आता है तो कल आप एक यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें TCS, जो हमने देखा ये TCS हमने दिया हुआ था ऑलरेडी, आज 4022 गया हुआ है, तो TCS का देखते हैं TCS का कैसा परफॉर्मेंस है। तो ये रहा हमारे पास TCS। तो अगर आप TCS डे के हिसाब से देखेंगे तो डे के हिसाब से देखिए, आज का जो डे हाई था वो गया है 4022 और हमारा टारगेट 4000 के अराउंड में था, तो हमारा ऑलरेडी पहला टारगेट तो टच हो चुका है। और इसमें आपको क्या करना है, आप सावधानी लेके चलो और आपको स्टॉप लॉस अपना इंक्रीज कर लो, स्टॉप लॉस आप बढ़ा लो, स्टॉप लॉस आप 3805 कर लो। और जैसे ही ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, लगभग नेक्स्ट टारगेट हमारा 4170 आता है डे के हिसाब से, अगर चार घंटे के हिसाब से देखें तो चार घंटे के हिसाब से 4086 आता है, तो आप यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक कर सकते हो, नॉट एन इशू एट ऑल। सो TCS में हम स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, स्टॉप लॉस ट्रेल करके हम यहाँ पे 4082 पे एक प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर आप वीकली भी देखोगे तो 4034 पे एक रेजिस्टेंस है, अगर इसको मंथली अगर हम देखते हैं तो मंथली भी हमारा 4034 का एक रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है यहाँ से एक हमें रिटेस्ट मिले और हमारा टारगेट 4000 हमने लिखा हुआ था, ऑलरेडी हमारा टारगेट अचीव भी हो चुका है। तो अगर आपको इसमें प्रॉफिट बुक करना है तो कल प्रॉफिट आराम से बुक कर सकते हो। हमने हमें भी 80 से ऊपर हमारा चला गया, तो हम भी प्रॉफिट बुकिंग के जोन में हैं, तो कल परसों में हम इसमें भी प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ये हो गया TCS। अब आ जाते हैं नौकरी पे, नौकरी का कैसा परफॉर्मेंस रहा। सो यहाँ हम देखते हैं नौकरी, तो नौकरी आप देखोगे डे का व्यू देखोगे तो नौकरी काफी अच्छा फॉर्मेशन है। हमारा नेक्स्ट टारगेट 5347 होगा पहला टारगेट, दूसरा टारगेट होगा लगभग 5500 के अराउंड में। तो आप इसमें, और आज का जो हाई लगा था वो लगा था 5289 के करीब में और कल का जो हाई लगा था 5219, तो लगभग 50-60 पॉइंट ऊपर आज का हाई लगा है। तो इसमें बने रहिए पोजिशन, तो पहला टारगेट 5346 और दूसरा टारगेट 5500 में हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। अब बात कर लेते हैं कल के लिए कौन सा स्टॉक्स है। तो कल के लिए मेरा पहला स्टॉक्स निकल के आता है बायोकॉन। तो ये बायोकॉन अगर आप देखोगे तो ये हमारा डे का चार्ट है, तो 20 मूविंग एवरेज ऊपर 50 नीचे, तो पहला कंडीशन मैच होता है। दूसरा 20 सेटी की तरफ जाता है स्टॉक इसी तरह सही, तो दूसरा कंडीशन भी मैच होता है। और तीसरा 50 को क्रॉस करता हुआ आ रहा सही, तो तीसरा कंडीशन भी मैच होता है। तो ये डे हो गया। अब हम देखेंगे वीक, क्या ये वीकली मैच हो रहा है, क्योंकि अभी पोजीशन हम वीकली बनाएंगे। तो वीकली आप देखो, वीकली 20 मूविंग एवरेज ऊपर 50 नीचे, पहला कंडीशन हमारा मैच हो गया। दूसरा स्टॉक इसी तरह 74 के अराउंड में है, तो यहाँ पे हमारे पास अभी लगभग 25% का मोमेंटम बाकी है, फुल्ली तो नहीं मैच किया लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक रिटेस्ट हो चुका है, तो हो सकता है ये 317 जाए। तो यहाँ पे क्या ये वर्थ रिस्क टेकिंग है, ये देखेंगे क्या ये वर्थ रिस्क टेकिंग है, रिस्क ले सकते हैं। और तीसरा 50 से ऊपर आ रहा सही जो कि 64 है, तो बिल्कुल ये तीसरा कंडीशन मैच होता है। अब देखेंगे क्या मंथली टाइम फ्रेम में हमारा तीनों स्ट्रैटेजी मैच होती है। तो यहाँ मंथली हम टाइम फ्रेम में अगर देख लें तो आप मंथली देखो, मंथली में अभी ये 50 को क्रॉस करने वाला है, तो हो सकता है कल परसों में ये 50 क्रॉस कर जाए और एक डब्लू बॉटम पैटर्न बना हुआ और यहाँ से एक ब्रेकआउट दिख रहा है, तो हम 317 का टारगेट लेके इसको एक रिस्क ले सकते हैं। वीकली हमारा व्यू होगा, स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, इस तीन कैंडल का लो होगा स्टॉप लॉस, तीन कैंडल का लो क्या है 256, तो 250 का हम एक स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेल करेंगे 317 तक। और डे बेसिस पे अगर आप आओगे तो डे बेसिस पे पहला टारगेट हो जाएगा 299 का और दूसरा हो जाएगा 318 का। तो बायोकॉन एक पहला स्टॉक हो जाता है जिसमें हम पोजिशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने चार्ट पे आएंगे और यहां पे हम बायोकॉन मेंशन करेंगे। अब रही बात बायोकॉन में इंटर कब करना है, तो बायोकॉन में इंटर जब करना है आपको वो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाइएगा। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए ये मार्केट अभी नीचे आ रहा है, 15 मिनट और 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाइए। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे एक कंडीशन मैच हो रहा है, 20 मूविंग एवरेज ऊपर 50 नीचे पहला कंडीशन मैच, दूसरा 20
13 है यानी 20 की तरफ जाता हुआ स्टॉक इसी तरह सही, दूसरा कंडीशन में यह मैच होता है, तीसरा 50 से ऊपर आ रहा सही, तीसरा कंडीशन में मैच हो रहा है। तो हमें कल मार्केट में क्या करना है, अब जस्ट इसके नेक्स्ट टाइम फ्रेम में 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आपको इंतजार करना है। हो सकता है मार्केट यहाँ है 283 तो कुछ क्वांटिटी यहाँ बनाएंगे, 277 281 पे कुछ 20% क्वांटिटी ले सकते हैं और इंतजार करेंगे कि स्टॉक की सीरीज आरएसआई नीचे से आके ऊपर की तरफ कटे, क्रॉस करे बिस्को जैसे ये फॉर्मेशन बनाया हुआ था, तब हम इसमें पूरी क्वांटिटी लेके घुस जाएंगे। सेम चीज़ अगर आप वन आवर के टाइम फ्रेम में देखोगे तो वन आवर के टाइम फ्रेम में भी यहाँ मार्केट अभी रेड कैंडल बना हुआ है, ये हेकेनाशी का कैंडल है, तो ये ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनने दो, जैसे ही ग्रीन कैंडल बनता है ये रेड कैंडल इंतजार करो, जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बनता है इसमें घुस जाना है। हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 292 का वन आवर के टाइम फ्रेम में, तो आपको इस टाइम फ्रेम में घुसना है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो पोजिशन हम कल बनाएंगे लगभग 277 से लेकर 280 के बीच में हम बनाएंगे, तो हमारा यहाँ बायोकॉन का पोजिशन हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा 275 से लेकर 77, तो 275 हम एंट्री मान के चलते हैं। अब इसका हम स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस हम रखेंगे, हमारा वीक का व्यू है तो हम इस वीकली इसका स्टॉप लॉस रखेंगे। तो इन तीन कैंडल का लो क्या था 256, तो हम 6 रुपीज नीचे रखेंगे, यानी ये मूविंग एवरेज 256 का भी चल रहा है, तो हम 250 के अराउंड स्टॉप लॉस रखेंगे। सो ये हो गया हमारा 250 के अराउंड स्टॉप लॉस। तो एक शेयर पे रिस्क कितना आया, 25 रुपये का रिस्क आया हमें एक शेयर पे, तो हमारे पास क्वांटिटी, अगर आपके पास 500 रुपये का रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, लगभग 20 क्वांटिटी होनी चाहिए, जहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस 500 रुपये का होगा। अगर 300 जाता है तो 500 रुपये का प्रॉफिट होगा, 325 जाता है तो 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो कितना जाने का चांस है बायोकॉन का, अगर देखोगे तो 317, अगर डे बेसिस पे हम देखेंगे तो लगभग 300 तक जाने का चांस है, तो अगर 300 टच हुआ तो 500 रुपये का प्रॉफिट आपका बन जाएगा, 1:1 का रेशियो आ जाएगा। अब हमारा रिस्क यहाँ 6000 का है, तो हम उस हिसाब से यहाँ अपनी क्वांटिटी को मैनेज करेंगे, तो हमारे पास कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, लगभग अगर हम 250 करें तो हमारे पास 6250 हो रहा है, तो हमें यहाँ पे 240 क्वांटिटी हमारे पास होनी चाहिए, जहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 66000, 9.1% का रिस्क और ये व्यू होगा वीकली। तो ये इस तरीके से आपको रिस्क मैनेज करके चलना है। तो हमारा रिस्क 6000 का है, इसलिए हमारे पास 240 क्वांटिटी है, उस हिसाब से आपको अपना रिस्क मैनेज करके चलना है। अब दूसरा स्टॉक्स बता दूं मैं आपके लिए कौन सा है, दूसरा स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स है, आपको काफ़ी ध्यान से देना है, अगर आप स्टॉप लॉस लगा सके तभी ये स्टॉक लीजिएगा, वरना स्टॉक्स लेने की जरूरत नहीं है। ये है रेणुका सुगर, जो कि काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है टेक्निकली, इसका व्यू हमारा वीकली और मंथली है, तो आप देखो ये वीकली है, वीकली कितना अच्छा परफॉर्म, ये टेक्निकल बना हुआ है, 20 मूविंग एवरेज ऊपर 50 नीचे, तो पहला कंडीशन मैच हो गया, दूसरा 20 से 80 की तरफ जाता हुआ स्टॉक इसी तरह से ही दूसरा कंडीशन मैच हो गया, और तीसरा 50 को क्रॉस करता हुआ आ रहा है, तीसरा कंडीशन मैच हो गया वीकली में। तो रेणुका शुगर है 51 रुपीज का शेयर है, तो अगर इसके बारे में आप देखोगे तो इसका ये फंडामेंटल से फंडामेंटल कुछ खास नहीं लगा मुझे, बट टेक्निकली अच्छा है और इनके प्रोडक्ट ठीक है, शुगर इंडस्ट्रीज है, तो 10,921 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन इनका डेट देखो 5,198 करोड़ का डेट ही है, तो थोड़ी सी रिस्क है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, 62.5% है। अब इसमें FII की होल्डिंग आई है, आप यहाँ देखो तो यहाँ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग है 3.16, अभी इस दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने 3.22 बढ़ाया है। डोमेस्टिक का देखोगे तो 10.12 सितंबर में था, अभी इन्होंने 0.2% कम किया है। DII की बढ़ी है, ये FFII की बढ़ी है, DII की कम हुई है। सो इस हिसाब से प्रमोटर की होल्डिंग 62.48 है। सो लेने के पीछे का पर्पस ही है कि एक हम रिस्क ले सकते हैं प्रॉफिट के पैसे से, और ये इनकी वेबसाइट है और ये इनका बिजनेस आप यहाँ देख सकते हो, और शुगर मैन्युफैक्चरिंग में आता है, ग्रीन एनर्जी भी बनाते हैं, एथेनॉल में भी काम कर रहे हैं, तो ये कंपनी का बायोडाटा है। तो आप अपना रिसर्च खुद करो, और रिस्क लेना है मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ, टेक्निकली हम एक रिस्क ले सकते हैं, कितने का, 10 रुपये का रिस्क लेके चल सकते हैं, 43 ये 3 महीने का लो लेके हम चल सकते हैं, ये 3 महीने का लो हम लेके चल रहे हैं, जो कि हमारा स्टॉप लॉस होगा 43 के अराउंड, तो हम 40 के अराउंड स्टॉप लॉस रखेंगे, 10 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस होगा, पहला टारगेट हमारा 57 का होगा, दूसरा टारगेट हमारा 63 का होगा रेणुका शुगर में। अगर इसको हम मंथली देखें तो मंथली की अगर देखोगे आप तो 20 मूविंग एवरेज ऊपर 50 नीचे, पहला कंडीशन हमारा मैच हुआ,
दूसरा स्टॉक इसी तरह से अभी 15 है, तो अभी हमारे पास पूरा मोमेंटम बाकी है, तो हम इसको होल्ड कर सकते हैं 5 से 6 महीने तक, जहां पे टारगेट हमारा 64 का होगा। तो दूसरा कंडीशन भी मैच, और तीसरा 50 से ऊपर RSI 58, तो यहाँ तीसरा कंडीशन भी मैच होता है रेणुका सुगर में। ऑलमोस्ट ये रिस्की शेयर है, तो उस हिसाब से आपको अपना पैसा अलॉट करना है। हम इसमें प्रॉफिट का पैसा लगाएंगे, 57 रुपीज़ पहला टारगेट, दूसरा 64 और तीसरा 74 का टारगेट होगा हमारा आने वाले 5 से 6 मंथ में। तो उस हिसाब से आपको लगाना है। तो आप यहाँ देखो, अभी एक डबल बॉटम पैटर्न बन चुका है, अब यहाँ पे आएगा और यहाँ से एक ब्रेकआउट देगा 57 से, तो हो सकता है 64 जाए। तो ये मंथली है, तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। तो हम यहाँ अपने परफॉर्मेंस में रेणुका सुगर भी लिख रहे हैं, रेणुका सुगर, जहाँ पे हमारा व्यू वीकली होगा। अब पोजिशन कब कैसे बनाएंगे हम, अगर आप देखोगे रेणुका में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, आप अगर आप देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा स्ट्रैटेजी मैच हो रहा है। क्या ये हाफ एन आवर में भी मैच हो रहा है? हाफ एन आवर में अभी नीचे आ रहा है, जैसे ही ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा स्टॉक एस 11 RSI, तब हम इसमें पोजीशन बना लेंगे लगभग 50-50 के करीब में, 50.35 के करीब में हम एक पोजीशन बनाने की सोचेंगे। और ज़्यादा क्वांटिटी, अब ये देखो एक घंटे का टाइम फ्रेम है, तो एक घंटे के टाइम फ्रेम में हो सकता है यहाँ पे भी आ जाए 50, तो 49 और 50 के बीच में हम एक पोजीशन बनाएंगे और इसको होल्ड करेंगे 5 to 6 मंथ, तो हम इसमें एक प्रॉफिट का पैसा लगाएंगे। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है एंट्री हम करेंगे लगभग 50 रुपये पे, और स्टॉप लॉस हमारा होगा 40 का। अगर 10 हो गया, अगर आपके पास 100 क्वांटिटी होगी तो आपका मैक्सिमम लॉस 1000 का होगा, इन्वेस्टमेंट आपका 5000 का होगा, और ये मंथ वीकली है तो वीकली आपको फॉलो करना है। तो उस हिसाब से आपको अपना क्वांटिटी यहाँ मैनेज करना है। 100 क्वांटिटी की इन्वेस्टमेंट 5000 होगी, और टोटल रिस्क आप देखो 20% का रिस्क है, क्योंकि वीकली है और हमने रिस्क बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिया है, स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का लिया है, ताकि ऊपर नीचे हो तो हम हिसाब से मैनेज कर लें। तो हमारा 6000 का है, तो हमारे पास यहाँ शेयर होने चाहिए कितना, अगर 600 होगा तो हमारा कैपिटल 30,000 रुपीज़ लगेगा। सो 30,000 हम प्रॉफिट का इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है ये हमें 60 जाता है तो हमारे पास 6,000 का प्रॉफिट आएगा, 70 जाता है तो हमारे पास 12,000 का प्रॉफिट आएगा। तो ये दो रिस्क है। अगर आप रेणुका शुगर में स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो ये नीचे भी चला जाएगा 10% 20% माइनस, तो प्लीज़ आप स्टॉप लॉस लगा के काम करिएगा, रिस्क मैनेजमेंट करके करना है। तो ये दो स्टॉक्स हैं कल के लिए, और बाकी अगर आप विप्रो में बना सकते हैं, पोजीशन बनाना चाहते हैं तो विप्रो में बना सकते हैं, नौकरी में बना सकते हैं, TCS में भी पोजीशन बना सकते हैं, और उस हिसाब से आपको अपना स्टॉप लॉस मैनेज करना है। तो प्लीज़ अभी मार्केट ऑल टाइम हाई है, यहाँ पर अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें तो आप देखो निफ्टी, सो निफ्टी अगर हम देखें डे बेसिस पे, तो डे बेसिस पे तो हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ मैच हो ही रही है, 50 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज ऊपर 50, नीचे 20 से 80 की तरफ स्टॉक एस की RSI, 50 से ऊपर RSI। लेकिन वहीं अगर आप 4 घंटे के व्यू पे देखो तो हमारा एक ये बड़ा रेजिस्टेंस है 21,993 रुपये का, इसको तोड़ना जरूरी है, और स्टॉक एस की RSI ऑलमोस्ट 90 आ गया, तो हो सकता है ये नीचे की तरफ आए और हमें यहाँ तक 21,698 तक हमें निफ्टी दिखे, 100-200 पॉइंट कल नीचे और गिरता है, और जैसे ही ये हमारी स्ट्रैटेजी इस तरीके से मैच होगी तब हम इसमें और अच्छे तरीके से पोजीशन बना सकते हैं। तो अगर आपको कल पोजीशन नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको पोजीशन बनाना, आप इंतज़ार कर सकते हैं निफ्टी में, और जैसे ही हमारा निफ्टी हमारे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आता है 4 आवर्स के अकॉर्डिंग, तब आप पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पर्पज़ है रिस्क मैनेजमेंट करके चलना, मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि रिस्क मैनेज करके चलो, आपने 36% तो नहीं, 10 से 12% 15% तो प्रॉफिट बनाया ही होगा, उस 15% प्रॉफिट में आप रिस्क लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए, अगर अभी तक आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते थे अब स्टॉप लॉस लगाना सीखिए, और उस हिसाब से आप अपना यहाँ पे मैनेज कीजिए। तो स्टॉप लॉस लगा के चलिए, मार्केट ऑल टाइम हाई है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको स्टॉप लॉस लगा के चलिए, स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए, कैपिटल होगा, मार्केट नीचे आएगा तो उसको और नीचे आप उठा सकते हैं। सो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे इजाजत। सो आपको यहाँ सीखने को मिला होगा, सो प्लीज़ सीखिए, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग विद सैटर्न कैपिटल।